हेलो बच्चों, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर टू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, जैसे कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। यहाँ पे हमारे जो थर्ड टर्म आती है वो आती है मोलेलिटी। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि मोलेलिटी क्या होती है। तो मोलेलिटी के अंदर हम क्या कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सोलवेंट। और यहाँ पे जो हमारा सोलवेंट का वेट रहेगा वो क्या रहेगा, किलोग्राम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मोलेलिटी होती है आपकी, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। मोलेलिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, और मोलेरिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो यहाँ पे मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट, या फिर आप इसको मास भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो वेट किस में होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आता है किसके लिए आता है, मोलेलिटी के लिए आता है। तो अब अगर हम देखें, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एन है यानी नंबर ऑफ मोल्स है, उसको डिनोट करते हैं हम एन से। और एन क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का वेट हमें गिवन होता है, और डिवाइड करते हैं उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू पुट की थी कि वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लेके चल रहे थे डब्लू टू, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लेके चल रहे थे एम टू, और यहाँ पे जो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है इसको हम लेके चलेंगे डब्लू वन। क्लियर? तो यहाँ से क्या कह रहे हैं, जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो जो आपकी मोलेलिटी की वैल्यू जो आती है वो क्या आएगी हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम टू मल्टीप्लाइड वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख रहे हैं हम, डब्ल्यू वन। और यहाँ पे जो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, वो मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, ग्राम के अंदर आता है। तो अगर ये हमारे पास ग्राम में है तो हमें किस में चाहिए, किलोग्राम के अंदर। तो इस टर्म को चेंज करेंगे ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, तो हम उसको ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। क्लियर है? तो यहां से आपकी जो फॉर्मूला बनेगा, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन और ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये जो हमारा फॉर्मूला आएगा किसके लिए आएगा, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमारा क्या आ गया, मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अगली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म आएगी वो क्या आएगी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो क्या आती है, नॉर्मेलिटी। क्या आएगा, नॉर्मेलिटी। अब हम बात करें कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा हमारा किसमें रहेगा, लीटर के अंदर। ये जो हमारी टर्म आएगी क्या आएगी, नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे कहता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है उसको डिनोट किया जाता है एन से, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किस में लेके चलेंगे हम, लीटर के अंदर। ठीक है, तो यहां से बात आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहां से निकलेगा,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब जो वेट आपको दे रखा है सॉल्यूट का वो वेट, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो आपका सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट वेट लेके चलेंगे। क्लियर है? तो यहां से देखो अब बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले सॉल्यूट का। तो जो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। जो जिस भी सॉल्यूट का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो उसकी वैलेंसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं वैलेंसी की कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैलेंसी के लिए क्या कहता है, अगर आपका जो सॉल्यूट वो एसिड है तो इन केस ऑफ एसिड हम क्या लेके चलते हैं, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। क्या लेके चलेंगे, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, कि आपके जो एस सॉल्यूट है उसके अंदर कितने एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। जैसे अगर हमें बात करूं HCl की, तो HCl के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एच प्लस सी एल माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एच प्लस हैं, वन, वन एच प्लस है, तो जो HCl की वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, वन आएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें H2SO4 की, जब ये डिसोसिएट होता है तो क्या देता है हमें, टू एच प्लस SO4 टू माइनस, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एच प्लस आ रहे हैं, टू, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, टू आएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हमारी क्या है, वैलेंसी। और नंबर ऑफ एच प्लस आयन को बोला जाता है बेसिसिटी। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि वैलेंसी एसिड के लिए क्या आएगी, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, और नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। अगर हमारा जो सोल्यूट है वो बेस है, तो इन केस ऑफ बेस हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, जितने आपके OH नेगेटिव आयन रहेंगे उतनी उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH के अंदर हमारे पास कितने OH हैं, Na प्लस OH माइनस, तो 1 OH है। तो अगर यहाँ पे 1 OH आयन है तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी आएगी वो कितनी, सॉरी जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स रहेंगे वही क्या रहेगी आपका, वैलेंसी ऑफ बेस। क्लियर है यहां तक? और वैलेंस जो OH नेगेटिव आयन्स होते हैं इसको बोला जाता है एसिडिटी ऑफ बेस। इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है, एसिड बेस और एक होता है साल्ट। अब साल्ट के केस के अंदर क्या करेंगे, तो साल्ट में जब भी फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों चीजें यूज होती है, ठीक है। तो यहां पे जो साल्ट रहेगा उसके अंदर हम चेक करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यानी साल्ट के अंदर जो आपका मेटल रहेगा उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमारी क्या कहलाएगी, वैलेंसी ऑफ साल्ट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट के लिए, तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर क्या रहेगा, 2+, और सल्फेट क्या आएगा, 2-, तो कॉपर सल्फेट की जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 2 वैलेंसी आएगी। क्लियर है यहां तक? ये है हमारी वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला। अब हम इन फॉर्मूलाज को पुट करते हैं सिंबल के अंदर। तो यहां पे देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, M2 डिवाइड बाई वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं N से। किसे डिनोट करेंगे, N से। अगर आप N से नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहे हो तो इसको X से डिनोट कर सकते हो, वैलेंसी को किसे डिनोट कर देंगे, X से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये वैल्यू उठा के हम कहां रखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट को हमने डिनोट किया था W2 से, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या है हमारे पास, M2 डिवाइड बाय X। क्या आ जाएगा, M2 डिवाइड बाय X। अब ये जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आया, इस वैल्यू को आप पुट कर दो नॉर्मेलिटी के अंदर। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आती है नॉर्मेलिटी की वो क्या आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, W2 डिवाइड बाय M2 और डिवाइड बाय X, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से डिनोट कर लेते हैं,
और यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है वो हमें किसमें मिलेगा, मिलीलीटर के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर क्या फॉर्मूला के अंदर क्या कह रहा है कि वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर के अंदर चेंज हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे जो एक्स है ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है एन इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, डब्ल्यू टू इंटू एक्स इंटू 1000 डिवाइड बाई एम टू इंटू वी। ये जो आएगा ये हमारी आएगी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारी फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। क्लियर है सभी को? ओके, अगली जो हमारी कंसेंट्रेशन टर्म आती है वो आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी एक तरीके से कंसेंट्रेशन निकालने का ही टर्म है, ठीक है। इसके अंदर भी हम किसी भी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है। और उनका जब डिवाइड करते हो आप तो वहां से आपको क्या मिलता है, मोल फ्रैक्शन मिलता है, जो कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, मोल फ्रैक्शन की, ठीक। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है जाई से, किसे डिनोट करेंगे, जाई से। इसको समझने के लिए क्या लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो हमारे पास ए प्लस बी है, इन दोनों को हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया ए बी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन बनाया है ए बी, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, मोल जाई ऑफ ए, क्या आएगा, जाई ऑफ ए। और यहां से क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये जो वैल्यू आएगी आपकी किसकी आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह अगर हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो उसको क्या लिखेंगे, जाई ऑफ बी। और जाई ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये किसकी आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, क्लियर है। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन, जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हो ना, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, यानी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, और यहां लिख सकते हैं ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। इट मींस कि आपके सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा उनका जब आप सम करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। चाहे आपके अंदर यहाँ पे 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, चाहे 4 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, क्लियर है सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।